तो उसने वो जान गया कि ये तो आम व्यक्ति नहीं है, ना गोरखनाथ के सामने कोई सिद्धि में टिकनिया नहीं था। तब उसने करबद्ध प्रार्थना की कि हे भगवान, कबीर जी एक बार नीचे आओ, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। जान गया कि तो कोई और आम व्यक्ति नहीं है, गोरखनाथ के सामने पूरी पृथ्वी पर कोई सिद्धि में टिकने वाला नहीं था। परमात्मा आगे कहाँ बोल, आ गया सेंटर में दिमाग इसका। तब काफी देर चर्चा की, अब गोरखनाथ जी कहने लगे, मैं एक परीक्षा और लूंगा फिर तुझे भगवान मान लूंगा, अब चलवा भी काट ले कसर, वो भी निकाल अपनी कसर कि गंगा पर चलो, अब चलो। दोनों आगे देखनी और भी बहुत पीछे पीछे थे। अब गोरखनाथ जी कहने लगे, मैं इस दरिया में छुपूंगा और मुझे ढूंढ देना। गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई दरिया में, गंगा में, और मछली रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने साथ की साथ छलांग लगाई और पकड़ कर वह मछली और बाहर दर्दी गोरखनाथ बना के टेक दिया किनारे पे, अकाड़े बैठ नाथ पैर पकड़ दिए। अग भगवान, आप कौन हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? परमात्मा बोले, बैठ ही बताता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ और कौन हूँ। अवगत से ही चल आया। ओए होए, ये चारों वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, रित धाम में, सतलोक में, और वहाँ से चल कर गति करके यहाँ आता है। किस उद्देश्य से? तत्व ज्ञान समझाने के लिए। अवगत से ही चल आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलहाए न पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलहाए न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, दासी मीन पत्नी, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलहाए का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा, पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे। ओए होए, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में, सैपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम कवि अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता शास्ती भय समाभ है। ओए होए, अब क्या कहते हैं, मेरा शरीर आप जैसा पांच तत्वों का नहीं है। सामने बैठे भगवान परमात्मा विदेही है, विदेही माने हमारे जैसी काया नहीं है, काया मीन दे, अकायम आप जैसी काया वाला नहीं है वो। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा, वेदों में जो कबीर देव है ओहे नाम है मेरा, सत्य नाम वही कबीर नाम है मेरा। अधर दीप सतलोक में, अधर द्वीप हो तीसरे मुक्ति धाम पर, अगर दीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, तेरा ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। आड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले
ये वाणी बोली थी कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभय पद दाता। ओए होए, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं आद अमर अस्थाना। चर मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। ये कहते हैं कबीर परमात्मा कहते हैं, हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर तुम्हारे जैसे नाड़ियों का नहीं है, और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी सतनाम उसी को प्राप्त हुआ जो मालिक से परिचित तो उस समय में। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब कबीर परमात्मा जी ने नाथ जी को बहुत कुछ समझाया था कि जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई। अब गोरखनाथ कहता है कि तुम्हारा वचन मुझे लग गया कड़वा, और परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, अमरी बात पति जय जोई। पुनात्मा आज से 550 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं वही लीला किया ही करते हैं वो जब आते हैं। अब आपको थोड़ा सा रेफरेंस फिर देना पड़ेगा इन वेदों का, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों में परमात्मा की पहचान नहीं पावांगे हम भक्ति नहीं कर सकते। ये काल के दूत हमें किसी भी पॉइंट पर डगमग कर देंगे, और ये अनमोल खजाना हमें परमात्मा ने दिया है हमारे को, और दास चाहता है कि समय समय पर आपके ऊपर इसकी वर्षा कर दूँ, क्योंकि ये सत्यनारायण कथा है। अविनाशी सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा की कथा है। और पुण्यात्मा ये एक सत्संग जो है, ये 3 दिन का सत्संग, इसमें जो है प्रत्येक सत्संग में जैसे सुबह और शाम में कुछ एक भक्त तो वही होते हैं, और बहुत से श्रद्धालु परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि एक घर में 4-5 सदस्य नाम ले रखा है, 2 किसी दिन सत्संग सुन जाते हैं रात का या सुबह का, कोई किसी दिन आता है कोई किसी दिन आता है, कुछ अच्छे सौभाग्यशाली हैं वो सारे ही आ जाते हैं। लेकिन दास चाहता है कि सभी कोई ज्ञान से परिचित करा दूँ और भगवान की महिमा से ये परिचित हो जावे। वो परमात्मा, अब भगवान ने कहा कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद बरम ना पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आण कहायु जगत करे मेरी आसी। ओए होए, अपुन आत्मा, परमात्मा को पहचान लेना कठिन है। परमात्मा का की प्राप्ति मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब हमें जब दृढ़ विश्वास आपको हो जाएगा कबीर इज गॉड, और वास्तव में है ही भगवान, केवल एक ही परमात्मा है, बाकी वो भगवान नहीं है। अब यहाँ भगवान की डेफिनेशन बताऊं, श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 भगवान, 3 प्रभु स्वामी, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। यह सर्वपुरुष तो है ये ज्योति निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको श्राप लगा हुआ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित खाने का, और 1,25,000 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करने का। इसने अपने 3 पुत्रों को 1-1 गुण युक्त करा दिया, जिस कारण से हमारे ऊपर उनका एक प्रभाव रहता विशेष, रजोगुण प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, संसारिक सुविधाओं की हम ज़्यादा चाह करते हैं, इच्छा करते हैं। सतीति हमारे एक दूसरे में मोह ममता, श्री विष्णु जी के गुण से हम प्रभावित रहते हैं, और तमोगुण शंकर जी के स्वभाव के गुण से हम एकदम बाप बेटे का झगड़ा, सासू बहू का झगड़ा,
एक मिनट में पता नहीं के उद्म सूत्र उतरवा देंगे, ये जीव के बस का नहीं है। तो इस प्रकार परमात्मा ये सर्वपुरुष ये काल है, इसने अपने खाने के लिए ये सब व्यवस्था करवा रखी है। और अक्षर पुरुष ये सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी नाशवान है, और उसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के अंदर ही, और ये दोनों के दोनों पुरुष भी प्रभु भी जन्म मृत्यु में है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में बताया है कि उसके बारे में जिसको ज्ञान हो गया फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, गीता ज्ञान दाता ने कहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर्वपुरुष, सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष तीन ब्रह्म बताए, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान, इनकी ये भी नाशवान के अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ओए होए, अब कितने कोड वर्ड हैं इस पवित्र सदग्रंथ में श्रीमद् भगवत गीता जी में। उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सही असली भगवान वास्तविक परमात्मा तो इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परमात्मा इति उदाहरते, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा क्या वो थोड़ी होती है जो आप देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, कोई परिवार का परिवार नाश हो गया, ये परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है नहीं। कहते वो परमात्मा कहलाता है। और ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वो अविनाशी परमात्मा भगवान। अब भगवान परमात्मा मीन भगवान, भगवान मीन जो सुख दे दुख ना दे, केवल अच्छे पदार्थ अच्छी सुविधा हमें प्रदान करे, उसका नाम भगवान। इन नकलियों को भी प्रभु हम भगवान कहने लगे, परमात्मा कहने लगे। अब क्या बताते हैं, मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो न करता नो ठहराए भाई, दसमा भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई, ये अरहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हरहट डोर बंधे सब आवे, ये कोटिक करता फिरता देखा हरहट डोर कहूं सुन लेखा। अब परमात्मा बताते हैं ये त्रिवर्मा विष्णु महेश्वर पता नहीं कितनी बार जन्म मरण के चक्र के रहट के चक्र में बंधे हुए हैं। अब परमात्मा किसे कहते हैं, ओए ओए। अब ये भी भगवान को आवे हैं, इनको भी हम परमात्मा कहते हैं। जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया अपनी प्यारी आत्मा जिसको आकर वो मिलते हैं अच्छी आत्मा को अच्छे पुरुष को, धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तुझे परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं और काल की डेफिनेशन बताता हूं। अब जैसे कसाई बकरे पाला करता है अपने उन बकरे बकरियों के लिए वो बहुत सुविधा करता है, उनके लिए एक झुग्गी झोंपड़ी भी बनाता है, छान बनाता है लंबा चौड़ी, और चारों तरफ उसकी बाड़ लगाता है कोई हिंसक पशु इन खा ना जा मार ना दे, उनके लिए पानी की व्यवस्था जल की व्यवस्था कराता है, चरागाह की व्यवस्था कराता है और उनको चरा के लाता है। उधर से
वो बकरे ये सो